नाजरीन, मैं इस वक्त कारदर जनरल हॉस्पिटल में हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और एक दोस्त शुएब खड़ा हुआ, जो बहुत अच्छा आदमी है, क्लास में बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं। इससे इनकी जिंदगी के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। आपने BSN लिया और आप पहले से भी नर्सिंग फील्ड में हो, तो आप इसको कैसे देख रहे हो कि आप क्या इम्प्रूवमेंट आएगी BSN से? BSN मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव फील्ड है। मैं चाहता हूँ कि मैं BSN करूँ, मैं अपनी नॉलेज गेन करूँ, अच्छी तरह की नॉलेज गेन करूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि एक जगह पे एडमिशन लेना, उसको नॉलेज को गेन करना और उसी नॉलेज को आगे साथ लेके चल के पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात। मेरा दूसरा क्वेश्चन आप सही है कि आप, जैसे मैंने पहले बोला कि आप पहले से नर्सिंग फील्ड में हो, तो आपने कौन सा डिग्री की जो आप BSN से पहले नर्सिंग फील्ड में आ गए? मैंने सबसे पहले ICU टेक्नीशियन का कोर्स किया था, जिसकी बुनियाद पर मैं बुरहानी हॉस्पिटल में अभी काम कर रहा हूँ। और बेसिकली मैं ICU टेक्नीशियन हूँ, लेकिन मेरी डेजिग्नेशन वहाँ पे नर्स है। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आप जैसे COVID-19 की सिचुएशन थी, पूरे मुल्क में पैंडमिक चल रहा था, तो इस वक्त नर्सिस का बहुत मांग था विद इन द कंट्री एंड एज वेल एज इन द वर्ल्ड। आप अब इसमें आप कहाँ पर थे, आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगी थी? जब कोविड शुरू हुआ तो उस वक्त मैं ICU टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था साउथ सिटी हॉस्पिटल से। वहाँ पे मुझे ऑफर आई कि मैं कोविड में वहाँ पे आके काम करूँ, अपनी स्किल्स को प्रूव करूँ वहाँ पे। और मेरे लिए कोविड ब्लेसिंग था। वहाँ पे मैंने साउथ सिटी हॉस्पिटल में मैंने एज अ नर्स एड की डेजिग्नेशन पे वहाँ पे मैंने काम किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे पेशेंट्स की खिदमत की हमने, बहुत सारे पेशेंट्स को बचाया भी हमने। और ये है कि मेरे लिए कोविड बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग था। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कोविड गेम था, बस लोग बोलते कि ये जैसे एक चाल था, धोखा था, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पेशेंट्स को बीमार होते हुए देखा है, पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है, पेशेंट को मरते हुए देखा है, मेरे हिसाब से ना तो ये चाल था ना तो ये धोखा था, और ये एक बीमारी थी, बिल्कुल वाजे बीमारी थी, फैली। पेशेंट्स का इलाज हमने किया, पेशेंट ठीक होके गए भी करे। कुछ ऐसे पेशेंट थे जिनको मुझे खुद याद है कि मैंने एक दिन में एक ड्यूटी शिफ्ट में, तकरीबन 8 घंटे की हमारी शिफ्ट होती थी, 8 घंटे की शिफ्ट में मैंने 5 बॉडीज भी पैक की है। मेरा एक क्वेश्चन है, कैजुअल क्वेश्चन है, जो कि बहुत से लोग बोल रहे कि कोविड जो है वो एक खास महसूस टाइम में आता था, जैसे रमजान हो गई, जैसे कोई हमारी इज्तिमा होती थी, इस टाइम में कोविड आता था, और बाकी जब हम होते थे तो इसमें कोविड नहीं था। तो ज्यादातर लोग का ये सोच है कि ये गेम था इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ, तो इसके बारे में आपका क्या है? मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ गेम हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया इसकी जद में आई है। अगर इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ गेम होता तो सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज इसमें इसकी जद में आती, लेकिन हमने देखा पूरे यूरोप में, पूरे चाइना में, एशिया में, हर जगह पे कोविड फैला। मेरा आखिरी सवाल है कि जो नए बच्चे नर्सिंग में, उसके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हो? मेरा मैसेज सिंपल है, आप लोग अच्छी तरह नॉलेज गेन करें, पढ़ें, आगे जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो स्टडी करें, और अपनी मेहनत से पेशेंट के ऊपर बहुत ही ईमानदारी से काम करें, आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ही है। बहुत मेहरबानी शुएब साहब, अल्लाह आपको आगे बहुत से तरह की। थैंक यू।